हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अरे भाई फिर चले आज टेक। चलो ओके डन। यानी कि नाजमाबाद के बाद नाजमाबाद में बोर्ड ऑफिस है, उसके बाद दिल पसंद, उसके बाद एडटेक। एडटेक के वेबसाइट पर आरिफ भाई हमारे एक कुली, उन्होंने कहा था रिकमेंडेड, उन्होंने कहा था जरूर जाइएगा और वहां जाके खाइएगा। अच्छा, उन्होंने दो तरह के चिप्स बताए थे, एक नॉर्मल प्लेन चिप्स विद किसी भी फ्लेवर, सेकेंड उन्होंने कहा था पिज्जा फ्राइज जरूर ट्राई करना, उसके पास नई वराइटी है। हमने कहा व्हाई नॉट। हम गए तो हमने फ्लेवर्स थे, चिकन था, गार्लिक था, डिफरेंट तरह के। मैंने कहा व्हाई नॉट बटर चीज ट्राई करते हैं, क्योंकि चिप्स एंड डिप्स पे भी बटर चीज था, यहाँ पर भी बटर चीज ट्राई करते हैं, कंपैरिजन करने में भी बड़ा इजी लगेगा। अब तक चिप्स एंड डिप्स पहले पे था, ये चिप्स डिप्स, देखते हैं दोनों में क्या बेहतर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चिप्स एंड डिप्स और चिप्स डिप्स के अंदर दोनों की फ्राइज क्वालिटी बहुत ही क्लास है। मैंने पहले कहा था चिप्स एंड डिप्स की फ्राइज क्वालिटी बहुत एंड थी, इनकी भी फ्राइज क्वालिटी बहुत एंड है। चिप्स का साइज जिस तरह से चिप्स बेक हुए हैं, ना ओवर क्रिस्पी है, ना ही वो मर रहे होते गिर रहे होते हैं, कुछ दोबारा सीन है। सेकेंड सॉस अब ट्राई करते हैं भाई, चिप्स में चिप्स इन डिप्स और चिप्स डिप्स में कोई फर्क ही नहीं है, ना फ्लेवर का ना चिप्स का, दोनों बिल्कुल सेम। ऐसे लग रहा है भाई दूसरे ब्रांड से लेकर आ गया हूं, कुछ फर्क ही नहीं है। फर्क है तो सॉस, इनका सॉस थोड़ा और बेहतर है चिप्स इन डिप्स से, मतलब इनके जो सॉस में फ्लेवर आ रहा ना वो बहुत क्लास। उनके पे थोड़ा मायो मायो टाइप ज्यादा हो रहा था, इनके में सिर्फ मायो नहीं है, मायो का जो गार्लिक वाला टेस्ट आ रहा है ना असल लग रहा है बटर चीज जो मैंने इत्तेफाकन फ्लेवर दिया है वो और इसका बड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप नाजमाबाद में उसके आगे पीछे नहीं रहते हैं तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा, रिकमेंडेड करूंगा, जरूर जाएं और जाके जरूर ट्राई करें इस प्राइस को। अब तक जो है चिप्स एंड डिप्स था मोस्ट फेवरेट, वो कन्वर्ट हो गया है चिप्स डिप्स में। अब तक चिप्स एंड डिप्स में होता 9.5, थोड़ा सा जो गिरते हैं सॉस की वजह से, भाई ये चिप्स एंड डिप्स से भी आगे निकल गया है। चिप्स डिप्स अब तक का मोस्ट फेवरेट फ्राइज हो गया है, सिंपल फ्राइज में, ठीक है। अब इसके बाद इनका पिज्जा फ्राइज ट्राई करेंगे, देन देखते हैं पिज्जा फ्राइज में क्या रेट्स हैं या पिज्जा फ्राइज के अंदर क्या गेम्स। ओके नाउ वी आर गोना ट्राई पिज्जा फ्राइज। हाँ भाई अब बारी है पिज्जा फ्राइज की। फ्राइज तो हमने ड्राई कर लिया, फ्राइज ने बीट भी कर दिया चिप्स एंड डिप्स जैसी बड़ी ब्रांड को, ठीक है। अब पिज्जा फ्राइज की है और मुझे पता है कि पिज्जा फ्राइज में क्या डाउट हो रहा है। ये डाउट हो रहा है अब तक बाय फॉर डिलाइट मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम
फेवरेट, जब खाना होता है उठो बाइट फॉर डिलाइट जो ऑर्डर कर दो। लेकिन जैसे टिप्स एंड डिप्स को बीट कर रहा है, ऐसा लग रहा है बाइट फॉर डिलाइट भी बीट ना हो जाए। सो आपका भाई जा रहा है ट्राई करेगा, ट्राई करके बताएगा है कैसे प्राइस, ठीक है। इनके तो पिज्जा फ्राइज है, वो पिज्जा फ्राइज है, मतलब पिज्जा के दरमियान लग रहा है इसमें फ्राइज डालती है, ऐसा नहीं चीज आता है, चीज भी बिल्कुल ठीक है, मसाला भी ज्यादा ना मिर्ची है ना ज्यादा फीका है ना ज्यादा हैवी है, अजीब से काट से आती है, वैसा पिज्जा फ्राइज में वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं पिज्जा खा रहा हूँ उसके साथ फ्राइज खा रहा हूँ। तो ऑल टाइम फेवरेट तो आई फॉर डिलाइट ही है, लेकिन ये भी हल्के नहीं है ब्रो, हल्का सी यहाँ पे भी नहीं है, मतलब अगर if anyone ask me rate this price तो मैं बोलूँगा around 7.58 इनके पिज़्ज़ा फ्राइज़ को, लेकिन इनके जो प्लेन फ्राइज़ थे 10 out of 10 ब्रो, अपने भंडी नहीं है कोई। अगर आप नाथा बात कर रहे हैं जो उसके आगे पीछे नहीं रहते, मैं पर्सनली रिकमेंडेड करूंगा वहां जाके चिप्स एंड डिप्स को जरूर ट्राई करें, स्पेशली इनके प्लेन फ्राइज, बटर चीज समथिंग का फ्लेवर था उसके साथ सॉस है वो जरूर हो सके तो ये भी ट्राई कर ले, ये भी अच्छे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है वाला सीन जो मैंने आपको बताया कि पिज्जा के अंदर किसी ने फ्राइज डाल दिए, बाकी ओवरऑल कॉम्बिनेशन पिज्जा फ्राइज का अच्छा है, नॉट बैड। सो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह इसके बाद किसी और फ्राइज को कवर करते हुए।